कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग 2.2 पर चलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए पहले, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमको फिर से सेंड कर दीजिए, फिर से मतलब बोल दीजिए, बता दीजिए कहाँ पर है। तो एक काम करा करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्पीड स्टडी अनुराग सर चैनल डालिएगा यूट्यूब पे, आप उस पर जाएंगे तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी क्लास के आपके वीडियो हैं सारे मिल जाएंगे। आप उसमें से कहीं से भी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है आप उसमें से सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछा करिए, कहीं ना समझ में आए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले भी एक बार सुनिए इस क्वेश्चन को, हम हिंदी में बोल रहे हैं। क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इसको हिंदी में बोलेंगे कि एक आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुने से 2 अधिक है। व्हाट आर द लेंथ, लंबाई क्या होगी, एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, यानी पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंसर पर, इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सॉल्यूशन। तो राइट करेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन राइट करने के बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। तो पहला दिया द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, तो लिख लेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल 154 मीटर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्या है कि आराम से लिखिए ध्यान से, आयत का परिमाप बराबर 154 मीटर। अब देखिए सेकंड लाइन पे चलते हैं, फर्स्ट लाइन हो गई है, सेकंड पे देखिए क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ की 2 गुने से 2 अधिक है। किसके, यानी लेंथ तुम्हारी ब्रेथ से 2 गुने से 2 अधिक है ना। और या ऐसे कभी क्वेश्चन दिखे तो लास्ट में जो होगा ना वही मान लेंगे, तो लेट करेंगे क्या, लेट द ब्रेथ इक्वल यस मीटर, माना चौड़ाई बराबर यस मीटर हो गया, एंड द लेंथ ऑफ द पूल इक्वल, देखिए जो चौड़ाई है ना चौड़ाई लिख लीजिए, कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना कर दीजिए, यानी जो ब्रेथ होगा ना ब्रेथ के 2 गुने से यानी 2 कर दीजिए और इसमें प्लस 2 कर दीजिए, तो इतना मीटर क्या होगा इसका, इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x+2 मीटर। इतना आया, कहीं कोई प्रॉब्लम। अब हम लिखेंगे एक और पुल की लंबाई बराबर 2x+2 मीटर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार। ठीक है, अब चलते आगे देखते हैं। तो क्या क्या रहा है कि आयत का परिमाप, यानी
अब हमको आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया है, ब्रेथ मिल गया, लेंथ मिल गया, तो हम क्या निकाल ले पहले, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ, द पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल हो जाएगा, क्या होती है फॉर्मूला, क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है, टू ब्रेकेट में एल प्लस बी होता है, टू ब्रेकेट में एल प्लस बी होता है। तो ये हो गया आपका, इसके बाद आगे चलेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे हम, हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे क्या, आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप बराबर क्या होता है, दो एल प्लस बी, ये हो गया है ना। अब देखिए आयताकार स्विमिंग पूल का परिमाप कितना दिया गया है, 154 मीटर, या द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है, 154 मीटर। यहाँ क्या लिख देंगे, 154 मीटर हो गया, इक्वल इक्वल टू है टू, या एल मतलब होता है, एल मींस क्या होता है, लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, एल की वैल्यू ये है, इसको क्या बोलते हैं एल, इसको क्या बोलते हैं बी, तो जहां एल है वहां ये लिखेंगे, जहां बी है वहां ये लिखेंगे, तो यल की जहां पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 प्लस, बी की जहां पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 154 इक्वल इक्वल 2 है 2, तो अब देखिए यहां पर x ये भी है, x ये भी, पावर दोनों की 1 है, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यानी सेम वेरिएबल है, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 2 और 1, 3, 3x प्लस 2, इतना हो गया। इसके बाद हम चलेंगे आगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो ये हमारा है 154 इक्वल टू और 3x प्लस 2, ये हमारा दिया गया है, मतलब हमने अभी सॉल्व किया इसको, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 154 ये 2 इधर जाएगा तो अपान में चला जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, इक्वल इक्वल 3x प्लस 2 है 2। अब इसको डिवाइड करिए, तो 154 को डिवाइड करिए किससे, 2 से, 2 का टेबल पढ़िए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से बन जा 14, यहाँ कितना 1, फिर 4, यहाँ 1 में से 1 कुछ नहीं, 2 से बन जा 14, कितना आया 77 इक्वल 3x प्लस 2। अब ये पूरा उठाइए, इधर ले आइए, दैट इज 3x प्लस 2 इक्वल 77 हो गया, तो 3x इक्वल हो जाएगा 77, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो 3x इक्वल हो जाएगा 77 में से 2 माइनस करिए 75 हो गया, तो x इक्वल इक्वल 75 75, इधर 3 मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा था जहां पर कोई साइन नहीं होगा वहां मल्टीप्लाई का होगा उसके बीच में, तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 3 अब उधर जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइड करिए 75 को 3 से, तो 3 2 6, यहाँ बचा 1 5, 3 5 15, यहाँ कितना हो गया, यस इक्वल 25 मीटर। अब हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल, तो मैंने लेट क्या किया था कि पुल लेट किया था, लेट ना, लेट किया था यस, और इसको क्या लेट किया था, 2x प्लस 2, लिखेंगे क्या, द लेंथ ऑफ द पुल
इक्वल 2x प्लस 2 मीन्स इक्वल 2 है 2 इनटू x की वैल्यू क्या है 25 और प्लस 2 है प्लस 2 25 टू जा 50 और प्लस 2 हो गया मीन्स ये हो गया 52 मीटर यानी ये हो जाएगा हिंदी में क्या लिखेंगे पुल का पुल की लंबाई ठीक है पुल की लंबाई बराबर ठीक है ये हो जाएगा इसके बाद लिखेंगे कि द ब्रेथ ऑफ द पुल इक्वल यस मींस पुल की चौड़ाई बराबर यस मतलब कितना अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 25 मीटर ये हो गया आपका आंसर अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसा लग रहा हो कि मैम हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन